विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। ऑल राइट, क्या मजा आता है। आई थिंक इट्स वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट सर। Everybody, welcome to the stunning evening that is India 75 at 52nd International Film Festival of India, Goa, co-powered by Vaseline and Amazon Prime. Azadi ke 75 saalon ko sine salam. Main aap sabka tahe dil se swagat karta hoon. And Manish, how's the josh, brother? Hi, sir. Hi, sir. Main aapko bataun. पहली बार इफी गोवा होस्ट करते वक्त मैं किन किन इमोशन से गुजर रहा हूं मैं ये बयां भी नहीं कर सकता। यू नो इट्स सच अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी डिग्निटरीज एंड सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली मनीष, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दुनिया के अलग अलग कोने से फिल्म लवर्स और फिल्म मेकर्स एक साथ आकर अपने अपने देशों के फिल्म आर्ट को शेयर करते हैं। इट इज also contributing to the understanding and the appreciation of film cultures across nations. This majestic festival is conducted annually by the Directorate of Film Festivals under the Ministry of Information and Broadcasting and the State Government of Goa. Ek baar inke liye gadgadati taaliyan ho jaye। और इस साल तो और भी शानदार है क्योंकि 52 years of IFFI के साथ साथ हम गोवा के 60 years of liberation को भी सेलिब्रेट करेंगे और सिनेमा की नजरों से इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 साल का जश्न मनाएंगे। क्यों करण सर, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हर इंडियन की जिंदगी को पालने वाली दो शख्सियत हैं, एक माँ और दूसरी सिनेमा। क्या बोलते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। इस देश में तो परवरिश का सबसे बड़ा हथियार रहा है सिनेमा। माँ कहती है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो फिल्म दिखाने ले चलूंगी और बच्चे झट से पढ़ाई करने लग जाते हैं। बिल्कुल, यही नहीं सर, सिनेमा हमेशा से हिंदुस्तान की कहानी कहती आई, जहाँ आजादी से पहले बनने वाली फिल्मों ने वेल इंडियन माइथोलॉजी और रिच कल्चरल हेरिटेज को अपनी जुबा बनाई और दादा साहेब फाल्के की राजा हरीश चंद्र को जन्म दिया। वहां आजादी के बाद के ए अब्बास जी की धरती के लाल, बिमल रॉय जी की दो बीघा जमीन, कमाओ जोरदार तालियां बनती है इस पे, ऋत्विक घटक जी की नागरिक ने द न्यू इंडियन वेव की नींव रखी। और मनीष, 1950s में जब सत्यजीत रे सर ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीता, तब द वर्ल्ड स्टार्टेड नोटिसिंग एंड एक्नॉलेजिंग इंडियन सिनेमा। एब्सोल्युटली, और शिवाजी गणेशन सर 1960 में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर बने, तो इंडियन सिनेमा का इंटरनेशनली डंका बजने लगा। हाँ मनीष, और उसके बाद फिल्मों ने इंडिया को कुछ ऐसे ग्रिप किया कि जब एंग्री यंग मैन आए तो सड़कों पर हर कोई इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने लग गया। जब फिल्मों में श्याम बेनेगल सर ने सोशल इश्यूज उठाए तो मानो एक विंड ऑफ चेंज आ गई। सिनेमा हैज बीन अ चेंज मेकर एंड अ डोर कीपर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और करण सर, देखिए टेक्नोलॉजी के साथ भले ही हमारे लैपटॉप्स और मोबाइल्स की स्क्रीन छोटी हो गई हो, पर हमारा पैशन फॉर सिनेमा इज ग्रोइंग बिगर बिगर एंड बिगर, है कि नहीं सर? बिल्कुल, अब तैयार हो जाइए सिनेमा के पैशन को जीने के लिए, क्योंकि अगले 9 दिन इफी गोवा में आप दुनिया भर से चुनी गई ऐसी ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज को एक्सपीरियंस करेंगे जो आपकी जिंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ जाएंगी। एब्सोल्युटली, मैं चाहता हूं एक बार यहां पे बैठे सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर रेडी टू बिगिन द फेस्टिवल ऑन एन ऑस्पिशियस नोट, जिसके लिए मैं यहां मौजूद हमारे जो स्टीम गेस्ट हैं, प्लीज उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑल सेट। आई वुड लाइक टू इनवाइट esteemed dignitaries and guests to light the traditional inaugural lamp. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai ji, ek bar zordar taliyan. Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur ji. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, ek bar zordar taliyan sabke liye bajni chahiye, ladies and gentlemen. Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan.
चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा श्री परिमल राय, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अपूर्व चंद्र, श्री प्रसून जोशी जी, लॉकेट चैटर्जी जी, The epitome of grace, Hema Malini ji. Ravi Kotara Karaji. Madhur Bhandarkar ji. Manju Bora ji. Khushbu Sundar ji. AK Beer ji. Union Minister Shripad Nayak ji and Shri Amit Goenka, President of Digital Businesses and Platforms Z Entertainment Enterprises Limited. I was given that. May the light of this lamp guide the world of cinema towards the path of telling some imperative and compelling stories which fills the hearts and lives of our audience with hope and happiness. Let's have a big hand, ladies and gentlemen, and thank you so much. Thank you very much. मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का मंच पे आके lamp lighting के लिए. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this edition of the festival is going to be special in many ways, and I'm sure it is going to pave a new way for the cinema makers and creative artists from around the world. इसलिए आगे बढ़ने से पहले टू एक्सटेंड अ फॉर्मल वेलकम टू ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, डेलीगेट्स एंड डिग्निटरीज, मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज द सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अपूर्व चंद्र. लेट्स हैव अ बिग हैंड एवरीबॉडी, जोरदार तालियों से स्वागत. Honorable Governor of Goa, Honorable Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur ji, Chief Minister of Goa Shri Pramod Sawant ji, MOS Information and Broadcasting Shri Murugan ji, jinhe hum aaj Film Personality of the Year ka award de rahe hain, Hema Malini ji, Prasoon Joshi ji, and then in absentia
who are being given the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award, Mr. Martin Scorsese and Mr. Istvan Szabo. They are being given the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award in the birth centenary year of Satyajit Ray, and they will be joining us virtually. All the film personalities, all the film lovers and connoisseurs of good films who are collected here today, I welcome you all on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting to the 52nd edition of IFFI at Goa. This is the largest and best film festival of the country. It has a legacy of more than 50 years. It was first introduced in 1952, so now it has been 70 years since we have been working. And this is a celebration of good films from all over the world and India at one location in a festival over 9 days. It shows that we have stood up to the challenge during these COVID times. We have taken the challenge, and this year, even though we are celebrating in the hybrid mode, but the film festival is larger than any. There have been 624 entries of films from 96 countries. In comparison to that, the last year we had entries from 69 countries. So this festival is bigger than last year, and 96 countries have participated despite COVID. There are 44 films from India in the India Panorama section, and that too from 18 languages, 18 different languages of India. Those films including Dimasa, languages like Dimasa, which are not even in the 8th schedule, even they are being shown here. There are world premiere, 12 films are having their world premiere here. 7 films are having their international premiere here. And 64 films are having the national premiere, the India premiere here. This is, again, is a very astounding and a very good number, which shows that the love for IFFI is growing internationally year on year. This year, there are many firsts in IFFI. For the first time, we are having a BRICS festival, film festival, along with the IFFI, and we welcome our diplomatic friends from Brazil, Russia, South Africa, China, who are participating here in the BRICS Film Festival. Then for the first time, there is the advent of OTT. Over the past 1.5 years, when we were in a lockdown, OTT has grown immensely. And for the first time, all the major OTT players like Netflix, Amazon, Sony, and all the others, they are participating here. Some of them are even premiering their shows in the IFFI, and this will become a regular feature of IFFI in future. There are a number of master classes which have been organized, including from the famed Gobelins School of France, which is for the first time that they are coming to IFFI. And then, at the instance of our young minister, Mr. Anurag Thakurji, for the first time we are having 75 young bright sparks who are interested in the film industry and who have come here. This will set the seed which will germinate and lead us to further glory in films. They have the opportunity to interact with the best in the world and best in the country in this celebration of films. Also, because of the leadership of the young Chief Minister and Minister, this time the opening ceremony also will be more energetic, and it will be much more energetic and lively than previously, which we are going to see shortly. We are celebrating the 75th year of independence and also 60 years of liberation of Goa. These are all momentous occasions, and today we are here, sitting here in this hall, because the country and all our people, they have come together united in getting 116 crore vaccine doses administered.
1.16 billion vaccine doses administered in a period of 6 months. This is a stupendous achievement, and that has allowed us to come together and sit in halls like this to celebrate functions like this. Our film theaters are open. Goa, I am told, all the cinema, all the hotels are full. All the flights are full, and this shows that the life is coming back as we knew it, and we are here to celebrate this. So I welcome you all, the connoisseurs of film and filmmaking, to immerse yourself in this festival of films from across the world, which are the best in their area, and to see and learn from the best from the world and India. आणि शेवटी मी माननीय मुख्यमंत्री गोवा आणि गोवाचे प्रशासनाचा आभार व्यक्त करतो की पंजेम सारखे सुंदर शहरामध्ये त्यांनी इतका सुंदर प्रोग्राम करू दिला आम्हाला आणि नेहमी इथे होत राहील आणि पंजेममध्ये जे आपला फिल्म फेस्टिवल आहे त्याची वाढ होत राहील अशी मी अपेक्षा करतो आणि आपण सगळ्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for the warm welcome. Let's have a big hand once again. All right, it's now time for the felicitation of the international jury, for which I would like to call on stage Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Thakur ji, and Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawant ji. Let's have a big hand for them. Ladies and gentlemen, each year a group of renowned filmmakers and cinema experts come together from different parts of the world to form the International Jury of IFFI, who take responsibility of judging films across various categories and also decide which film is going to get the honor of receiving the much coveted Golden Peacock Award. Ladies and gentlemen, I introduce you to our panel of international jury chaired by the Iranian filmmaker Rakshan Bani Etimad, also known as the First Lady of Iranian Cinema. Along with the other jury members, for the International Competition and Debut Directors category are Ciro Guerra, filmmaker from Colombia. Vimukthi Jayasundara, filmmaker from Sri Lanka. Padma Shri Neela Madhav Panda, filmmaker from our very own country, India. And Stephen Woolley, producer-director from United Kingdom. Request the esteemed dignitaries to proceed with the felicitations, please. Ladies and gentlemen, fantastic. Thank you, esteemed jury members and honorable dignitaries, for gracing the stage. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, gentlemen. Thank you. Like every year for the past 52 years, we have in our jury members of Indian Panorama 2021 some of the household names of our film industry. They came together for around a month to discuss and select these best 44 films from the option of 450 films that we will bring to you.
Also, they decided which film was going to get the honor of receiving the much coveted Golden Peacock Award. Absolutely. With a heavy heart, they had to put many films in the backseat. We have a 7-member jury for the non-feature section and a different 13-member jury for the feature films. The feature section was chaired by Shri S.P. Rajendra Singh Babu, Ekbar Zordar Talia, who's a veteran filmmaker and multiple National Film Award winner. And the non-feature section was chaired by Subhaya Nalamuttu, an award-winning cinematographer and wildlife filmmaker. Ladies and gentlemen, let's take a look at the jury members, please. Feature film and non-feature film. All right, मेरे ख्याल मुझे लगता है एक बार और जोरदार तालियां हो तो I think अच्छा लगेगा. Thank you so much, everybody. The jury is of prime importance in any festival, and I Absolutely. Think they deserve all your love, support, and of course, immense respect. Ladies and gentlemen, for the first time ever, films from BRICS nations, that is Brazil, Russia, India, South Africa, and China, will be showcased through the BRICS Film Festival alongside IFFI. This has been done because this year the BRICS countries are also the focus countries of the 52nd edition of FICCI Goa. IFFI Goa. Can we have a look at the jury members, please? Let's have a bigger round of applause, ladies and gentlemen. We would now like to invite on stage Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Shri L. Murugan, to address the audience. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. His Excellency, Governor of Goa, Sri Sridharan Pillai ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Union Minister of State, Sri Sripad Nayak ji, Hemamalini Madam ji, Prasoon Joshi ji, Secretary of our department, Mr. Apurva Sandra ji, juries, actors, directors, and all personalities associated with the world of cinema. Friends from media, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam to you all. I am happy to be here with you all in the 52nd International Film Festival of India at Goa. At the outset, I congratulate Satyajit Ray Life Achievement Awardees Mr. Itswan and Mr. Martin. We recognize your immense contribution to the world of movies. I also congratulate Madam Hemamalini ji and Mr. Prasoon Joshi ji for the awardees here. Hemamalini ji, your presence on the silver screen for last so many decades has enthralled the generation of movie watchers. Prasoon ji, your excellent lyrics capture the ethos and essence of India. Friends, IFFI is one of the most iconic film festival in India, in international level. It provides a common platform for filmmakers across the world to showcase their talent. Bringing together film cultures, the festival allows to understand the various social and cultural ethos and appreciation of the world cinema. That's why with the initiative of our minister Sri Anurag Thakur ji, in this Azadi Ka Amrut Mahotsav, IFFI has invited 75 young talent minds in the field of cinema. Under the dynamic leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, India aims to become the attractive destination for filmmaking. With the focus of ease of doing business, we have opened Film Facilitation Center
office in our ministry for a single point conduct for, to the facilitate the filmmakers. Ladies and gentlemen, these movies which realistically reflect the life story of common man, his struggles, his emotions, his values, attain the status of iconic movies. Our actors bring alive the legendary heroes and great events in the past. Here I wish to mention the immense contribution of some of the legendary icons like M.G. Ramachandran alias M.G.R., N.T. Rama Rao and Shivaji Ganesan to the cinema. Here I also remember to great Dilip Kumarji and Punit Rajkumarji, Sumitra Bhaveji and many others who left us in the last year. The world of movies shall be in debt to you. Friends, before I conclude, let me acknowledge the tremendous efforts put in by all those involved here, the people of Goa are famous for their warm and affectionate hospitality. I'm sure you all will enjoy the film festival and enjoy your stay in this beautiful land of Goa. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Bolo, jaldi jaldi. Thank you very much, sir, for those inspiring words. Let's have a big hand once again, ladies and gentlemen. अब मैं उस विशेष व्यक्ति को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने इफी गोवा को हर साल एक नई उड़ान दी है और इस साल और भी खास है क्योंकि हम लिबरेशन ऑफ गोवा के 60 इयर्स भी मना रहे हैं. Absolutely. He is the man with the plan, the superman and the most loved chief ministers of Goa, the dynamic, the task master, the visionary, Goa ke honorable chief minister Shri Pramod Sawant ji. Namaskar. Azadi ka Amrit Mahotsav और गोवा एट रेट 60 इस पावन पर्व पर आई वेलकम द 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. इस कार्यक्रम में हमारे साथ में गोवा के महामहिम राज्यपाल श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, खास इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे दोस्त ऊर्जावान हमारे प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री मुरुगनंदन जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर खास गोवा से श्रीपाद जी नाइक, हमारे गोवा के डिप्टी सीएम श्री बाबू आजगावकर जी, हमारे मिनिस्टर दीपक पावस्कर जी, हमारे बाकी सभी एमएलएस यहां पे प्रेजेंट, भारत सरकार के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, गोवा सरकार के सीएस परिमल राय जी, और इस खास कार्यक्रम के अट्रैक्शन सभी फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी, सलमान खान जी, रितेश देशमुख जी, रणवीर सिंह जी, श्रद्धा कपूर जी, करण जौहर जी, ऋषि खन्ना, मनीष पॉल, बाकी रितिवर चक्रवर्ती और बाकी सभी, मैं सभी के नाम लूंगा तो आई थिंक दे आर ऑल टुगेदर 75 पीपल्स. द अनुराग जी आर इन्वाइटेड यू वेलकम फॉर वन एंड ऑल इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द 52nd ईफी. I welcome international juries and international guests also for this function. आज इस अवसर पर मैं याद करता हूँ the ex-defense minister and ex-chief minister of the state of Goa, श्री मनोहर पर्रिकर. जिन्होंने ही 2004 में international film festival first time yes Goa में invite किया और तभी यानी तभी की प्रसारण मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इस कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन करने का मौका गोवा को दिया. तभी से लेके आज तक लास्ट फॉर द 17 इयर्स वी आर होस्टिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. डे बाय डे इसका आयोजन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और इसी के वास्ते गोवा इज ऑलरेडी नोन स्टेट फॉर द टूरिस्ट. And for the IFFI ke vaste, the Goa is known globally, which is a proud moment for the Goans.
हलसेन कोकणे देव तुमका सगळ्यांक येवकार दिता, गोय तुमका सगळ्यांक येवकार दिता, गोयकार तुमका सगळ्यांक येवकार दिता. वी वेलकम ऑल ऑफ यू अतिथी देवो भव. द गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द सन सँड अँड सी. गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द सीनिक ब्युटी. द गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द इंटरलँड टुरिझम. गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द फिल्म डेस्टिनेशन, फिल्म शूटिंग. तो इस बार हमने फिल्म शूटिंग, फिल्म डेस्टिनेशन इस सब के लिए हमारे एंटरटेनमेंट सोसाइटी की तरफ से हमारे वाइस चेयरमैन सुभाष फलदेसाई, ही इज ऑल्सो हियर. और हमने अभी इस बार फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत फिल्म शूटिंग के लिए द सिंगल विंडो क्लियरेंस से हम दे रहे हैं. डेफिनेटली इससे ज़्यादा गोवा में और ज़्यादा शूटिंग होगी. और एक रीजन के वास्ते, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट विच इज 100% वैक्सीनेटेड स्टेट विद अ डबल डोज. ऑल्सो विद इन फ्यू डेज वी आर कंप्लीटिंग अवर डबल डोज वैक्सीनेशन. कुछ ही दिनों में हम वो भी कंप्लीट कर रहे हैं. पूरे देश में मुझे लगता है गोवा पहला राज्य होगा 100% वैक्सीनेशन किया हुआ. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को. 100% वैक्सीनेशन होने के बाद उन्होंने वर्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट किया गोवा के हेल्थ वर्कर को, गोवा के बेनिफिशरीज को, सभी को उन्होंने वर्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. और पूरे देश भर में पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम इस कोविड में 100 crores ऑफ लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं. और दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल इवेंट वी कैन ऑर्गेनाइज इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ गोवा. वंस अगेन आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इस कार्यक्रम में मैं एक मांग जरूर करूँगा कि मेरे दोस्त और हमारे मिनिस्टर श्री अनुराग जी ठाकुर से, तो गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द ईफी, लेकिन गोवा में फिल्म सिटी बनाने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इधर ऑन द PPP मोड, अदर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें कोशिश है हमारी कि यहाँ पे फिल्म शूटिंग, फिल्म सिटी बने, फिल्म इंस्टीट्यूट बने. चाहे कि गोवा में जितना सारा टैलेंट है, इधर इन द फिल्म एडिटिंग, फिल्म फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शंस, एक्टिंग, एवरीथिंग, देयर इज अ टैलेंट पूल इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्किल्ड इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. मुझे लगता है उसको स्किल्ड और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए द फिल्म सिटी डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आने वाले दिनों में हमें नॉट ओनली द ईफी बल फिल्म सिटी भी बनाने के लिए माननीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर और माननीय मोदी जी का हमें हेल्प रहेगी. और फिल्म जगत के सारे लोग यहाँ पे यानी फिल्म सिटी में डेफिनेटली हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा के लिए यहाँ जरूरी आ जाएंगे. डेफिनेटली माननीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, उसी तहत हम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेन और स्वयंपूर्ण गोवा, हम मनोरंजन के क्षेत्र में भी सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं. और इनकेस इफ यानी फिल्म सिटी और इसी के तहत हम डेफिनेटली यानी इस एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी हमें सपोर्ट मिला तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे. इस बार की इफी विच इज एन स्पेशल इफी विच इज फिजिकल एंड वर्चुअल मोड विद हेल्प ऑफ जी सिनेमा. दिस टाइम इट इज अ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, OTT प्लेटफॉर्म, इस तरह के वेरियस प्लेटफॉर्म, इस टाइप के यानी हमने इस बार की इफी में हमने पेश किए हैं. और इस बार विच इज एन 44 इन इंडियन पेनोरमा एंड 55 विद वर्ल्ड पेनोरमा इसमें शामिल हो रहे हैं, विच 15 यानी फिल्म स्वर्ण मयूर फिल्म स्पर्धा में. तो डेफिनेटली इसी के तहत विच इज एन गोवा फिल्म प्रीमियर, 6 पिक्चर्स इसमें शामिल हो रहे हैं. मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं फिर से एक बार यानी इस गोवा के 60 साल मनाने के इस अवसर पर हम सभी उत्सव जितने बड़ी मात्रा से मना रहे हैं, इस बार का फिल्म फेस्टिवल भी कोविड के बाद बड़ी मात्रा से मना रहे हैं गोवा में 9 दिन. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. यू विल एंजॉय द सन सैंड सी, यू विल एंजॉय द टेंपल, यू विल एंजॉय द चर्चेस, यू विल एंजॉय द गोवा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द फूड इन द स्टेट ऑफ गोवा. मैं फिर से एक बार मैं माननीय मंत्री जी और फिल्म जगत से आए हुए सभी लोगों का, मैं इस गोवा स्मॉल स्टेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. अतिथि देवो भव.
What do I do now, yaar? Namaskar, sir. Thank you so much. Such an honor for everything you do for our film festival, for Goa. Thank you. Give it up, ladies and gentlemen. Sanji Khan ko bahut bahut taliya dena chahiye. सर अगर मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ हम सेंटर स्टेज ले सकते हैं और मैं आपसे चंद सवाल कर पाऊँ प्लीज माइक आपको देखो आया क्या थोड़ा भारा है क्या देख भारा है मैं आंसर दे सकता हूँ उतना ही पूछना नहीं 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 सवाल बहुत ही साधारण है बहुत सिंपल है थैंक यू सर फर्स्टली फॉर होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस इवेंट एंड गिविंग अस अ चांस to experience this wonderful spectacle, sir. Give it up, ladies and gentlemen. Goa ki vibes har kisi ko sare stress aur tension se dur le jati. Aur baat ki jaye filmon ki, to Goa has been so instrumental in everything cinematically. If I say Goa is a haven for filmmakers, it would be an absolute understatement. There's always so much to explore, and with now, IFFI being hosted in Goa annually, it has truly become synonymous with cinema. इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल पूछना चाहूंगा मैं जी हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं थैंक यू सर सर गोवा इतने सालों से IFFI होस्ट करता आया है तो कैसा रहा है गोवा और IFFI का ये ग्रैंड एसोसिएशन हमेशा के लिए सभी गोवा के लोग IFFI की राह देखते हैं और इवन दो आई थिंक द फिल्म स्टार और बाकी गेस्ट भी गोवा आने के लिए IFFI की राह देखते हैं तो डेफिनेटली वी आर होस्टिंग फॉर लास्ट 17 इयर्स और अभी भी मुझे लगता है इस बार विच इज एन ग्रैंड फेस्टिवल बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज अवर मिनिस्टर अनुराग जी ठाकुर ही हैज टेकन द इनिशिएटिव्स तो इसीलिए इस बार की IFFI खास IFFI है एंड थैंक यू सर थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट आई नो दिस ईयर सर कुछ नई और दिलचस्प चीजें होने वाली हैं इस साल आप किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं टू डू विद द फेस्टिवल आई थिंक द कोविड के बाद दिस इज द फर्स्ट इवेंट जी डेफिनेटली विच इज एन 75 जो फिल्म स्टार यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं को लेकर सभी एक्साइटिंग है डेफिनेटली आगे आने वाले 9 दिन में मुझे लगता है और भी स्टार Goa mein definitely aayenge with the help of the government of India. Of course, absolutely, sir. We look forward to that. Aapko Goa ke baare mein kaun si teen cheezein sabse achhi lagti hain? Definitely, pehle to Goa, pura Goa achha lagta hai. Bilkul. The first is a communal harmony. Sabhi log kehne with... The second, main kahu to the high literacy rate in Goa. जी फैंटास्टिक थर्ड मैं कहूं तो सन सैंड एंड सी द स्टेट ऑफ गोवा फैंटास्टिक और फोर्थ मैं कहूं तो आप हो सर थैंक यू सर आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्में कौन सी हैं ये फिल्म फेस्टिवल है तो जाहिर है थोड़ी फिल्मों के बारे में भी चर्चा हम कर ले ऑल टाइम कोई फेवरेट फिल्म है आपकी सर छोले मैन वंडरफुल छोले बिल्कुल गोवा में शूट हुई आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी रही हैं रिसेंटली इज द सिंगम वाओ और ये एक दूजे के लिए बिल्कुल एंड आई थिंक ये कहना जरूरी है कि रोहित शेट्टी गोवा हर फिल्म गोवा में शूट करते हैं वो उनके लिए एक लकी लोकेशन है और सिनेगोअर्स के लिए भी लकी रहा है ही ट्रूली हैज सीमेंटेड गोवा इन द मेमोरी ऑफ सिनेगोअर्स अक्रॉस द नेशन एंड वर्ल्ड सो दैट इज फैंटास्टिक थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए इट वॉज एन ऑनर टू लिसन टू योर व्यूज एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सम स्निपेट्स फ्रॉम योर लाइफ एंड आंसर ऑल माई क्वेश्चन थैंक यू सर नमस्कार थैंक यू सर Thank you very much, sir. Give it up, ladies and gentlemen. Shri Pramod Savanji. Everybody, all right. India aur puri duniya mein, jab bhi cinema discuss ki jayegi, to ek veteran filmmaker ka naam hamesha liya jayega. Aur wo hai, none other than Satyajit Ray.
He truly was a ray in the world of cinema that lights up a million minds and a billion cinematic ideas even today. This year, we celebrate 75 years of India's birth and also the birth of the pride of Indian cinema, the late Satyajit Ray sir. And to honor 100 years of the veteran filmmaker, India 75 at 52nd International Film Festival of India, Goa, co-powered by Vaseline and Amazon Prime, the Lifetime Achievement Award will henceforth be called the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. It is one of the most esteemed awards presented to a film veteran for their exceptional contribution to the cinema through outstanding art. Ladies and gentlemen, this year we present this coveted award to two such exemplary filmmakers who are synonymous with glory and are an institution when it comes to creating cinema. Firstly, I would like to introduce to you the very first winner of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. It goes to the man who creates films that are both authentic but also exceptionally cinematic. He dissolves the barrier between a viewer and celluloid. Cinematically stylish, his name is a filmmaking technique in itself. Ladies and gentlemen, put your hands together for one of the greatest filmmakers of all time, Mr. Martin Scorsese. Ladies and gentlemen, the world we live in now. Let's have a look at the AV. Cinema is a matter of what's in the frame and what's out. Martin Scorsese. Is baat ko cinema ke chahne wale hi samajh sakte hain. Martin Scorsese film jagat ka ek aisa naam hai jisne apne visionary filmmaking se duniya bhar ke cinema ke deewanon ko apna fan bana diya. Unki har film darshakon ke dimag mein apni ek anokhi chhap chhod deti hai. 1962 mein unhone apne filmi career ki shuruaat ki aur in 6 dashakon mein Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Gangs of New York, Shutter Island, Wolf of Wall Street और ऐसी कई सारी बेहतरीन फिल्में दुनिया भर के दर्शकों को प्रस्तुत की. उनका कहानियों को प्रस्तुत करने का तरीका अनोखा है. उनकी बहुत सी फिल्मों में प्रमुख व्यक्तित्व का आंतरिक संघर्ष विस्तार से दिखाया गया है. अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने अमरीकी समाज का बहुत सटीक चित्रण किया है. वो बतौर निर्देशक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और साथ ही में उन्होंने इंसान के तौर पे भी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई हैं. उन्होंने फिल्म फाउंडेशन और वर्ल्ड सिनेमा फाउंडेशन जैसे महत्वपूर्ण नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा शुरू किए गए फिल्म रेस्टोरेशन और फिल्म प्रिजर्वेशन कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया है. मार्टिन स्कॉर्सेसी को उन्हें अपने 6 दशकों के शानदार करियर में बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है. वर्ल्ड सिनेमा में उनके योगदान के लिए इफी मार्टिन स्कॉर्सेसी को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है. Ladies and gentlemen, the world that now we live in allows us to connect virtually. And so, I would like to show you the video message that Mr. Martin Scorsese has shared with us. I can't tell you how proud I am to receive this honor, this award, named after such a truly magnificent artist, Satyajit Ray. Ray is one of my masters. He's one of the filmmakers whose work I've returned to over and over again over the years throughout my life. And every time I see his films again, let's say Charulat or Jalsaghar or Oppu Trilogy, once again it's a whole new experience. They're the same films, but somehow they deepen and become enriched with new viewings over the years. My love for his work actually began when I saw Pathe Panchali, which actually I saw first time on a small TV with commercials and dubbed in English. Nevertheless, it was really
revelatory experience that I've talked about on many occasions over the years. On one level, it was a revelation for somebody growing up in the West, used to seeing India through the eyes of the West, through England, France, or America. And the faces in the background are suddenly in the foreground. And this was opening a whole new world to me, a whole new culture. And then there was the filmmaking itself. Intimacy, immediacy, tenderness, sensuality, and the precision of Ray's artistry, his camera eye and his use of music, for example. His use of music was one of the most influential use of music for me in my films. Just two cues alone in Patti Panchali, where Oppu is introduced sleeping and his sister opens the covers or so, and his eye appears and you hear the sitar. This is something that stayed with me, and I think I do it all the time in my own films. When the father learns of his daughter's death, the sound is cut out. Or it's replaced with music. So for me, it's very, very stunning. I remember I actually found, after seeing Patti Panchali and then seeing the other two parts of the Oppu trilogy here in New York, I think it was 59 or 60, 1960, I actually found a record of improvisations, Patti Panchali, by Ravi Shankar, and took them to my apartment at home. My mother and father were working class people who never heard this kind of music before. They got to listen to it with me. They couldn't help it. It was only three rooms. And they really enjoyed it. For me, I keep his films with me all the time. I have all of them. And when I want to be focused again, I go back to them. I go back to watching one or two of them. Some I haven't even seen yet. There's so many. His pictures seem to always revivify themselves over time. And this is something that happens only with the greatest filmmakers. Also, I must say, over the years, I have a young daughter who's now 22, but when she was around 12 or 13, I would show her films over the years. And naturally, young people in this world are tied into the internet now. It's a whole other way of perceiving reality and the world around them. But one of the most impactful films that I showed Francesca when she was about 12 or 13 was Patti Panchali, something she's never forgotten. I know it changed the way she perceives the world and different cultures. I know that. So I thank you, and I thank Sajid Ray, and I thank the Indian film industry in India. I am so sorry. I was only there in 1996. I'd love to go back. I'm sorry I'm unable to be there in person. And I really thank you from the bottom of my heart for this honor. Mr. Scorsese, congratulations on receiving the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I know how Satyajit Ray, sir, inspired you to become a filmmaker. So I must say it must have been very, very special award. Ek baar zordar taali honi chahiye. All right, after the master of cinema, let's talk about the one who has created masterpieces in cinema, the most noted Hungarian filmmaker who achieved his greatest international success with Mephisto in 1981 by winning an Oscar prize for his country. Ladies and gentlemen, we would like to showcase to you a short film which will give you a glimpse of the journey of this renowned and extraordinary artist, Iswan Szabo. Can we please have a look at the film, please? कुछ लोग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ होते हैं अपना एक नया रास्ता बनाकर अपनी मंजिल को हासिल करते हैं. मशहूर डायरेक्टर इस्तवान साबो की कहानी भी कुछ ऐसी रही है. बचपन से ही फिल्मों और कहानियों के शौकीन इस्तवान साबो ने 1959 में अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई
और उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। उनकी कहानियां, उनकी बचपन की संघर्ष और उनकी द्वितीय विश्व युद्ध के एक्सपीरियंसेस और मेमोरी से इंस्पायर्ड है। उनकी 1981 में बनी फिल्म विभेदसो को अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। ये पहली बार था कि किसी हंगेरियन फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया। उनकी ब्रिलियंट फिल्मों का कारवां रुका नहीं और कर्नल रेड, हैनुसेन, मीटिंग वीनस, सनशाइन, टेकिंग साइड्स, बीइंग जूलिया जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में उन्होंने बनाई। इस्तवान साबो ने लैंग्वेज के बैरियर को तोड़कर ऐसे फिल्में बनाई जो विश्व भर की ऑडियंस के दिलों को छू गई। वर्ल्ड सिनेमा में उनके योगदान के लिए इफी इस्तवान साबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित कर रही है। Mr. Szabo has connected with us digitally and has sent us a message. Ladies and gentlemen, please have a look at the video message. Please maybe play the message. Dear film lovers, dear friends of the International Film Festival of India, I am speaking to you from the other side of the world, and I am deeply moved that you know my films and even found it interesting, or some of them love them. And I am very thankful that you're giving me the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I met Mr. Ray maybe more than 30 years ago in Madras. He invited my wife and me for a dinner. The food was excellent, and we had a fantastic discussion about his films and about our profession, the filmmaking. It was a profound discussion, but I will never forget, and I cannot forget his face, his radiant, charismatic face, his spirit. Thank you very much to giving to your prize his name, and thank you very much to give me the prize with his name. Give it up for Mr. Szabo, ladies and gentlemen. All right, now may I please welcome on stage one of the most dynamic parliamentarians of our times. He has been bestowed with the Sansad Ratna Award 2019 for his distinguished performance as a parliamentarian. A committed leader whose humanistic and supportive leadership aims to lead public, build and support public infrastructures, the fiery, the feisty, the go-getter, Minister of Sports and Youth Affairs and Information and Broadcasting, ladies and gentlemen, Sri Anurag Thakurji. फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री पी श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी और मोदी सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्रीपद नायक जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई श्री मुरुगन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी एमिनेंट ज्यूरी मेंबर्स, फिल्म मेकर्स और यहाँ पर उपस्थित लोकसभा में मेरी सहयोगी और दशकों तक भारतीय सिनेमा में लोगों का दिल जीतने वाली आदरणीय हेमा मालिनी जी, लोकसभा में मेरी सहयोगी लॉकेट चटर्जी जी,
उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, मैं आप सबका 52nd इफ़ी में और गोवा की धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष गोवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा अपने लिबरेशन के 60 वर्ष मना रहा है, तो वहीं पर भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है हम सबके पास अपनी उपलब्धियों को जन जन और दुनिया तक ले जाने का और संकल्प लेने का कि 75 वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक की यात्रा कैसी होगी। जब शताब्दी वर्ष में हम इकट्ठे होंगे तो भारत एक नई ऊंचाइयों पर होगा। सो दिस प्रेजेंट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सिनेमा एंड इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज इन कॉन्टेंट क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन एट ऑल लेवल्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली। विद दिस प्रस्पेक्टिव इन माइंड द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया has brought together a diverse bouquet of films and filmmakers from around the world. I am delighted to share that at the 52nd IFFI, there are many firsts. For the first time ever, IFFI has allowed the OTT platforms to come and participate and present and showcase what they have produced over the last few years. IFFI is embracing the technology, new technology, and keeping with the pace and giving a platform to the artist and industry to engage with them. For first time ever, as I said earlier, 5 nations will showcase their films as part of the focus country section, as we are also celebrating BRICS Film Festival alongside IFFI. In fact, there are more than 300 films being showcased at IFFI. There are 148 films from nearly 75 nations will be screened during this event. For the first time ever, we are recognizing and mentioning and mentoring promising young talents through 75 Young Creative Minds of Tomorrow program being done as we mark 75th year of independence. They have been chosen by the grand jury and the select jury after a meticulous screening process. They are seated amongst us and will be attending master classes by the icons of cinema. The youngest selected candidate is just 16 years old, just 16 years old. And we have talent represented from Kadapa from Andhra Pradesh, Hazaribagh, Jharkhand, Dindigul, Tamil Nadu, Allapura, Kerala, Rangareddy, Telangana, Imphal, Manipur, and so on. These are the small city and towns of India from where we have selected these 75 young creative minds of tomorrow. Please give them a big hand. They are amongst us today. Our vision is not limited to the event of IFFI. This should not be taken as a standalone event. I think we have more to offer. But what IFFI should be when India celebrates the 100th year of independence? We aim to make India a powerhouse of content creation, especially regional cinema, by scaling up regional festivals. We aim to make India the post-production hub for the world by leveraging the immense tech talent amongst our skilled youth. We aim to make India the hub for world cinema, a destination for films and festivals, and the most favored place for filmmakers and film lovers. After all, India is a land of storytellers, rich in filmic resources. Today, the world wants to hear the story of India. India can captivate the world by narrating the India story. The story of rising. The story of rising, powerful, vibrant billion, ready to lead the world
द इंडिया वे. फर्दर द फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वी लीफ्रॉग इनटू द डिजिटल एरा ऑफ कंटेंट फिल्म मेकिंग एंड नॉट टू फॉरगेट फिल्म आर्काइविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन. टुडे सो मेनी ऑफ दोज एंगेज्ड इन फिल्म मेकिंग आर यंग. दे आर द पावर हाउस फॉर फ्रेश कंटेंट मेकिंग एंड न्यू नैरेटिव्स. इनफैक्ट द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर बिल्ड्स ऑन थ्री यूनिक प्रपोजिशंस इंडिया ऑफर्स: अबंडेंट एंड कॉम्पिटेंट लेबर, एवर ग्रोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अ डाइवर्स कल्चर एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज. वेयर एल्स इन द वर्ल्ड डू यू हैव दीज पावर्ड बाय द एक्सटेंसिव फुटप्रिंट ऑफ मोबाइल इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन. विद दिस यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिविटी, कल्चर एंड कॉमर्स, इंडिया इज पॉइज्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ दिस सिनेमैटिक इकोसिस्टम. टुडे द इंडिया स्टोरी इज बीइंग रिटन एंड डिफाइंड बाय इंडियंस. सो टू ऑल द फिल्म मेकर्स हु आर प्रेजेंट हियर एंड लिसनिंग टू अस थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेट मी से दिस: कम बी पार्ट ऑफ दिस सिनेमैटिक क्लाइडोस्कोप of collaborative diversity that is set to make new strides as the voice of a rising aspirational billion gears up to lead and take center stage in the decade and beyond. And finally, I'll be failing in my duty if I don't congratulate the winners of the Satyajit Ray International from the international category for the Lifetime Achievement Award, Mr. Martin Scorsese and Mr. Szabo. I think we should give them a big round of applause for accepting the honors. At the same time, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ जो आज हम सब के बीच में हैं, जिन्होंने एक दशक तक नहीं, कई दशकों तक भारत के करोड़ों लोगों के दिलों को जीतने का भी जिनको अवसर मिला, मनोरंजन करने का भी अवसर मिला, जिनको आज भी ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है. एक और एक हमारे आदरणीय हेमा मालिनी जी, जिनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, और बहुत ही प्रतिभाशाली, जिन्होंने फिल्म जगत में और बाकी इंडस्ट्री में भी अपनी कला के माध्यम से लोगों का दिल जीता. फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के हमारे चेयरपर्सन प्रसून जोशी जी, जिनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है. मैं यही कहूँगा कि आज चाहे गोवा लिबरेशन के 60 वर्ष मना रहा हो या भारत आज़ादी के 75 वर्ष, ये तो एक पड़ाव है जहाँ पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि हमने क्या हासिल किया है और आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि अगले 25 वर्षों में भारत की पहचान दुनिया के कोने कोने में फिल्म जगत के माध्यम से कैसे हो. इसके लिए गोवा की सरकार ने, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने जो ये शानदार आयोजन भारत सरकार के साथ मिलकर किया है, मैं गोवा सरकार का और आपके सभी अधिकारियों का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण का और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ. मैं अपनी सरकार के सचिव, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा जी का, गोवा के चीफ सेक्रेटरी परिमल राय जी का और सभी अधिकारियों का भी, और फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं. लेकिन सबसे बड़ा आभार मुझे दर्शकों का और यहां पर उपस्थित गोवा की जनता का करना है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय हिंद. सर, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर to come back on stage, sir, please. As we introduce to everybody, the guests, a very, very special initiative. Thank you, sir. Thank you for staying back on stage. Ladies and gentlemen, as India's biggest and Asia's oldest film festival, IFFI takes charge to not only showcase India's rich storytelling traditions, but also to provide a platform to young filmmakers, distributors, and other film enthusiasts to interact and exchange cultural expressions. To honor 75 years of independence, IFFI
is also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. And in an endeavor to encourage and recognize young budding talent in the country, a committee comprising of eminent film personalities has selected 75 creative minds from across the country who will get a chance to attend all the master classes and in conversation sessions and a chance to interact with industry leaders along with other activities. Ladies and gentlemen, I'm glad to invite the 75 creative minds of India. Let's welcome them with a thunderous applause on stage. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. This is, this is excellent. 75 creative minds from across the country on one stage, all of them together. And who better than the Honorable Minister? And who better than the Honorable Minister to stand tall with these 75 immensely creative minds of India. Ladies and gentlemen, may we also please welcome Anurag Thakur ji is already there, but to be joined on stage by our esteemed dignitaries for a photo so that the press can capture this iconic moment. Main chahunga Anurag sir agar aap aage aage aaye, so I think the photograph bahut hi khoobsurat aane wali hai. We would also like to invite on stage Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, Chief Secretary Goa, Shri Parimal Rai, Secretary of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apurva Chandra, Shri Prasoon Joshi, Grand Jury for 75 Creative Minds of Tomorrow, Shri Ketan Mehta, Grand Jury for 75 Creative Minds of Tomorrow. Ladies and gentlemen, please also let's welcome Russell Kukuti, Grand Jury for 75 Creating Minds of Tomorrow, Shri Yitendra Mishra, Shri Sanjay Puran Singh, and Shri Anand Vijay to join us for the photo op. Let's have a big hand, ladies and gentlemen, for this huge moment we have here. 75 minds all together on this stage. Shaping the future of Indian cinema. Ladies and gentlemen, this is truly a momentous occasion. मेरे ख्याल तालियां बजती रहें तो आई थिंक और मजा आएगा एवरीबडी. आई नो तालियां फोटो में आएंगी नहीं, लेकिन तालियों से इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी, आई थिंक वो फोटोज की शोभा और बढ़ाएगी. एक बार जोरदार, कम ऑन एवरीबडी देयर. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Your infectious energy is all we need for this evening.
Thank you. Thank you very much to all the esteemed dignitaries and these absolutely brilliant 75 minds. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. I'm sorry, but for the very last time, I'm going to request Sri Anurag Thakurji to please come back on stage. सर हमारा मन नहीं भर रहा आपसे बातें करें प्लीज मैं चाहूंगा आप प्लीज अगर स्टेज पे आए सो सॉरी सर बार बार आपको बुलाया जा रहा है बट आप इस इवेंट की शान है और आपका यहां होना बहुत जरूरी है थैंक यू फॉर एवरीथिंग थैंक यू सर रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द एनएफडीसी फिल्म बाजार व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट जब शायद फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता था और बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी शानदार पिक्चर्स बनाई हैं जिसमें एनएफडीसी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और एनएफडीसी फिल्म बाजार के माध्यम से तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप ना केवल अपना काम को दिखा सकते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर एंड To inaugurate NFDC Film Bazaar and to open it for this year, we would like to play an inaugural AV for the same. Let's have a look at it today. क्या बात है एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए करण सर हां जी सर लास्ट टाइम रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस हमारे कुछ सवाल है चंद सवाल है बहुत आसान से ये मजा आने वाला है सर थोड़ा मतलब होना चाहिए ना सर ऑलराइट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इंडिया 75 एट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा को पावर्ड बाय वैसलीन एंड Amazon Prime टू लाइफ इट इज अंडर योर सुप्रीम गाइडेंस सर That this year at IFFI, हम OTT और दुनिया भर के सिनेमा को एक साथ एक मंच पर देख रहे हैं इस पहल को अपनी आंखों के सामने सच बनता देख के कैसा लग रहा है आपको मुझे लगता है COVID-19 पेंडेमिक एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए थी लेकिन इस आपदा में भी अवसर देखने का काम हाँ, जी जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया क्या तो आप भी उसमें पीछे नहीं रहे क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपकी भी जो मूवी आई
मैं जिस प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूं वहीं के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जो कारगिल वॉर के हीरो थे, उसके ऊपर जो आपने मूवी बनाई शेरशाह, उसने लोगों का दिल जीतने का काम किया। कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे वॉर हीरो हैं जिन्होंने देश का दिल जीता कुर्बानी देकर। आपने उनकी ऊपर फिल्म बनाकर पूरे देश तक पहुँचाने का काम OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया है, और मुझे लगता है भारत को अगर कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है तो फिल्म्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है जी। और इसीलिए इस साल के इफ़ी में पहली बार ये हुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की पार्टिसिपेशन भी हो रही है, और यहाँ से आगे ही बढ़ता जाएगा, रुकने का नाम नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग शेरशाह, हमारे लिए इट इज ट्रूली अ लेबर ऑफ लव, और ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म रही है और ऑडियंस ने बहुत सराहा है, और आप भी थे जब यू नो फेस्टिवल को इनॉग्रेट वाली फिल्म, आप थे वहाँ, कास्ट भी थी, एंड थैंक यू। और आपने सही कहा कि OTT जो है ये माध्यम थिएट्रिकल के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, और आई थिंक वाइडर ऑडियंसेस तक हम पहुँच सकते हैं। एब्सोल्युटली। इस साल के इफी सर के लिए आपने ऐसा कौन सा विजन देखा है, ये आप प्लीज हमें बताइए, शेयर कीजिएगा प्लीज। मैं पहले तो कहना चाहता हूं इफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको परमानेंट वेन्यू गोवा में बनाने का काम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने किया जी, क्या? और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मित्र प्रमोद सावंत जी ने किया है। हम तो एक पहलू है बीच में कि जो यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की जब बात करते हैं, 75, व्हाई 75? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और ये सैकड़ों युवाओं ने जो अपनी एप्लीकेशंस दी थी उनमें से ग्रैंड जूरी ने इनको सिलेक्ट किया है, और ये छोटे छोटे शहरों से आते हैं, कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आए। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में, स्टार्टअप्स में और सिनेमा में अब छोटे शहरों का बहुत बड़ा डंका बजना शुरू हो गया है, और यहाँ पर भी फिल्म सेक्टर में भी ये हो रहा है। दूसरा, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल ये हमने यहाँ पर इसलिए भी करवाया क्योंकि इससे और महत्व बढ़ता है ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का भी और इफी का भी। मैं धन्यवादी हूँ ग्रैंड ज्यूरी का और बाकी सारे ज्यूरी मेंबर्स का जिन्होंने आपदा के समय भी सैकड़ों पिक्चर्स को देखकर इनको शॉर्टलिस्ट किया है। सोच केवल एक थी, OTT प्लेटफॉर्म्स आए कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर कंटेंट अच्छा है तो हर कोई उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है जी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इंडिया शुड बी द हब फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर द वर्ल्ड, इंडिया शुड बी द कॉन्टेंट सब कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स हैज बीन इन्वाइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। द रीजनल कॉन्टेंट शुड बिकम द इंटरनेशनल कॉन्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर इफी इज़ वन प्लेटफॉर्म विच कुड बी यूटिलाइज टू शोकेस देम। थैंक यू सर, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जाने से पहले ऑफ कोर्स बनता है, एज यू नो कि हमारा जो सिनेमा है भारतीय सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, हमारे डायलॉग जो होते हैं हमारे सिनेमा में बहुत ही पॉपुलर रहते हैं और सबकी जबान पे रह जाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, मनीष जानना चाहेगा पर्सनली कि ऐसा कोई डायलॉग है हिंदुस्तानी सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, या कोई भी हमारे जो रीजनल भाषा है, जो आपके जहन में बिल्कुल बैठ चुका है वो डायलॉग, या आप इस डायलॉग को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अच्छा भाई नहीं कहा, लेकिन 130 करोड़ के भारत में जो दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्म बनाने का जिसको गौरव प्राप्त हो, वहां एक दो डायलॉग शायद बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन एक जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ याद रह जाते हैं पल, शायद ये चक दे इंडिया का डायलॉग होगा कि मुझे ना स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे केवल एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया, चक दे इंडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, थैंक यू सर, सुप्रीमली इंस्पायरिंग। कहीं ना कहीं चक दे इंडिया ने इंस्पायर किया था भारत के खिलाड़ियों के अलावा आम भारतीयों को भी जी,
और इस पूरे डायलॉग में फेडरल स्ट्रक्चर का वो भरा हुआ है जहां हम अपने राज्य तक अपने आप को सीमित नहीं रखते, हम भारत के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में। इसलिए मैंने कहा कि संकल्प हम अगले 25 वर्ष के लिए लेंगे कि शताब्दी समारोह में जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत, जहां इफ़ी ने फिल्मों का परिचय कराने का काम किया, फिल्म के लोगों ने अपने कला और काम से पहचान बनाने का काम किया, अब परचम लहराने का काम भी हमारा फिल्म जगत करने वाला है। क्या बात है, क्या बात है सर। जैसे कहा, वेरी गुड सर, फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स इयर्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव इट अप फॉर श्री अनुराग ठाकुर जी, व्हाट अ डायनामिक मैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एनर्जी। जिन्होंने कॉफी विद करण देखा होगा वो समझ गया होगा मुझे छुट्टी बड़ी आसानी से मिल गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर ने जिस कन्विक्शन से डायलॉग बोला मुझे लग रहा था कि सर भी अभी एक बार फिर लॉन्च होने वाले हैं एक फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, डैशिंग और डायनामिक है, बनता भी है बिल्कुल। सर मुझे बड़ा मजा आता है आपको देख के भी, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं एकदम, फिटनेस लेवल सब, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, सच एन ऑनर। एंड नाउ इट इज माई प्रिविलेज टू रिक्वेस्ट आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फॉर द इवनिंग, Honorable Governor of the State of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai sir, to address the gathering. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. Honorable Union Minister, my close friend and our national politics is concerned, a great promise to our country, Anurag Thakurji, smart Chief Minister of Goa, Pramodji, my former colleague Sri Muruganji, distinguished guests and my dear friends, I am extremely happy to present this afternoon at the opening ceremony of the 52nd International Film Festival of India. It has been a memorable journey for this festival ever since it began in Goa in 2004. So I am paying my homage to our honorable Parikarji, and I wish you all the best in this moment. As far as art is concerned, I am thinking about the Bharatiya concept. Of course, it is similar to God according to our ancient concept. In Natya Shastra, Bharatamuni defined it as, in Sanskrit, Vadya Natya Tadageyam Chitram Varidam Mevaja Vedamandrartha Vajanei Samam Hridyatat Bhavishyadi. That means words of an artist is considered as equivalent to Mula Mantra, and in a way it is compared, a greatest artist is compared as equivalent to our godly concept. This is our traditional history of our country, and I am very happy to say that in this moment we are in a festival mood, but at the same time this year our country is celebrating our 75th Freedom Day also, year also. And in this moment, our country is working hard for attaining a self-reliant India. And our Chief Minister also declared a self-reliant Goa as well. When I thinking about the freedom and our history, the freedom of our country, of course, as per the Constitution,
our country's unity, integrity, sovereignty, all are related to the feeling of oneness among the people. For that purpose, I think our literature and our artwork, artists, they can see that our country is more and more united and work hard for achieving its goal. And remembering one aspect, in 1947, while partition was happening, so many singers and artists went to the Pakistan. I would like to request all of you, just think about it, and within 4 or 5 years, all the artists, main artists, singers, return to our country, return to our Bharat. What is the reason behind it? I need not explain in this forum, but at the same time, I would like to say the unity of the India in the arts field. I would like to say, you think about Carnatic music, all the main Carnatic music champions, Subbalakshmi, M.L. Vasanthakumari, all are from Tamil Nadu and Karnataka, but they were experts in Hindustani music as well. I can say that with respect to those patients, one Rudra Veena, that's mainly in Bengal, but M.L. Vasanthakumari is concerned, she was an expert in that field. Like that, Subbalakshmi is the best known person in the entire history of Carnatic music, but she was very much expertised in Shahanai, the North Indian musical system. So that I would like to say, it is possible. For that purpose, our literature, our art, our cinema, the maximum people in India and throughout the world are interested in this form of art, and artists are equivalent to God under such circumstance. For the unity, integrity and sovereignty, I am focusing on that. For that, you people can contribute a lot. I am requesting you be kind enough to look into this aspect as well. One more aspect I would say, our Shahanai Ustadu Bismillah Khan Bharatratna, at one stage he was in a starving stage, financially in a poor condition. Then at that time, Indian origin people there started a music Mahavidyalaya in New York. Then they approached him and requested him, you please come to New York, be the Kulapati of, Vice Chancellor of our music institution. Then his reply, yes, I am prepared to come. If is so important, if you can take my Ganga to New York. This was the approach of our people. I am requesting all of you, we are in a happy mood. Of course, our Chief Minister and team who prepared all these arrangements, and congratulating them at the same time for the country also, because more and more for the unity we may try, that is the need of the hour. I wish all success for this function and the coming 8 days. Thank you very much. Jai Hind. Because of hamare paas protocol wale tab tak hai, entertainment wala nahi. Ready? Gone? Has he gone? Oh, come. Chalo. Thank you so much, sir. We are sincerely grateful for your part in our event. Thank you for your kind words. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. Now, it is time to award the Indian Film Personality of the Year.
This award is primarily given to those outstanding Indian film personalities for their extraordinary contribution to the world of Indian cinema. And to do the honors and give away this prestigious award, I'd like to call upon stage Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs Minister, Shri Anurag Thakurji, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Shri L. Murugan, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawanji, and the Governor of the State of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillaiji. So, ladies and gentlemen, this year, the recipient of the Indian Film Personality of the Year is none other than the dream girl of Indian cinema, a powerhouse performer, the face of Indian classical dance, Member of Parliament from Mathura, UP, Hema Malini ji. May we please have a look at the AV. My time, I think I will call it as a golden era. Heroines survived for a longer time, not today. Today it is just 2-3 years and then they are over. It's nothing wrong in my life that I have to hide something. It's an open book. This is Shayar ki ghazal, dream girl. This is Jheel ka kamal, dream girl. Kahi to milegi, kabhi to milegi. Aaj nahi to kal, dream girl. That started coming right from the first film, Sapno Ka Saudagar. I said this has to be a big success and I have to be a very successful artist. Whatever I am doing, I must be the best. I used to train myself in front of the mirror. I used to act and see. Haan Babu ji, kahan jaoge? Belapur, Naumpur, Fatehgarh, Ramgarh, kahan jana hai, bolo? Are? Kya kabhi Tanga nahi dekha pehle? Ye gaon kheda hai saab. यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और फिल्म इज नॉट द ओनली थिंग देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ इवन दो व्हेन आई वाज बिजी इन फिल्म्स आई कंटिन्यूड माय डांसेस एंड नाउ आई एम बिजी विद फिल्म मेकिंग डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ स्टेज plays, ballets and all that. पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि बहुत हीरो जैसे सुंदर होना बहुत ज़रूरी नहीं है. सुंदरता के ऊपर भी जो इंटेलिजेंस होता है, जो बात करने का जो वाक पटुता बोलते हैं, जो बात करने का जो तरीका है, वो सब देखने लायक रहता है. आई एम एन आर्टिस्ट सो आई मे नॉट नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलिटिक्स in a very detailed manner, na? So I can make mistakes. So that doesn't mean ki I'm purposely doing anything. So it can be rectified. But the people are there to help me out if I do any mistake. A big hand, ladies and gentlemen. तालियां रुकनी नहीं चाहिए अगर जोरदार तालियां हो फॉर हेमा मालिनी जी.
बात है, कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। लेकिन मैम मेरी रिक्वेस्ट है, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन स्पेशली फॉर यू। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिनेमा। एक बार उस पर जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मैम मैं आपसे आई वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन, यू नो बींग अ बिग फैन, यू नो जब भी मेरे सामने ड्रीम गर्ल आती हैं तो मुझे आपका चेहरा नजर आता है, एंड आई थिंक यू हैव प्लेड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। इफ आई आस्क यू, आपने जब किरदार निभाए, विच इज दैट वन मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर यू फील दैट यू हैव प्लेड? यस, विच यू लाइक? आई लाइक ऑल ऑफ देम। वो तो है मैम, बट अगर सभी यही सोच के करते हैं कि सब सबसे बेस्ट यही होगा। क्या बात है। उसके बावजूद अगर आप पूछेंगे तो मैं लाल पत्थर बताऊंगी, एक चादर मैली सी, देन ऑफ कोर्स सीता गीता, शोले, ऐसा मैं बोलती जाऊंगी। क्या बात है मैम, इनफैक्ट आप अगर दो भी बोले उसके आगे के 10 नाम लोगों के मन में अपने आप आ रहे हैं, यू नो दैट्स द मैजिक यू क्रिएटेड। मैम अगर मैं बात करूं इफी की, यू नो आई थिंक द अमेजिंग ग्रोथ, एंड टुडे वाज वेरी स्पेशल सीइंग 75 क्रिएटिव माइंड्स टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सो क्या कहना चाहेंगे आज आप? ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान बहुत यंग टैलेंटेड फिल्म मेकर्स को दिया जा रहा है काम, विच आई अप्रिशिएट, एंड देन इट शुड कंटिन्यू। क्या बात है, एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां फॉर हेमा मालिनी जी। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड कांग्रेट्स वंस अगेन। आप सबने हेमा जी को पर्दे पर देखा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो हेमा जी हैं वो भी आपको जानना पड़ेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के लिए बोलने के लिए, वहां की मांग उठाने के लिए 3-3 घंटे तक पार्लियामेंट में इंतजार करके भी वहां पर अपना किरदार निभाना हेमा जी से सीखना चाहिए किस तरह से। क्या बात। और कल रात को भी लेट इनके अपने ही पार्लियामेंट में मथुरा में कार्यक्रम था, रात को 11 बजे कार्यक्रम खत्म करके सुबह 6 बजे चल के आप सबके बीच में आई हैं। मैं चाहता हूं सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हेमा जी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जोरदार करतल ध्वनि से। क्या बात। एक बात मैंने देखी है कि जो कलाकार होते हैं, ईश्वर की कृपा तो रहती है, कला के धनी भी हैं, लेकिन विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी होती है। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन पार्लियामेंट में एक आम आदमी की तरह वहां पर भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री ने हमें पार्लियामेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफे के रूप में आपको दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच अनुराग जी फॉर बेस्टोइंग दिस अवार्ड ऑन मी, एंड रियली आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां, कम ऑन। Thank you so much, ma'am. Thank you, Anurag ji. Thank you, ma'am. You are such an inspiration and continue to be a truly, truly, truly cinematic legend of our times and will always be entrenched in the archives of our cinema. All right. Moving on, ladies and gentlemen. Karan sir, वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका ये change of heart कैसे हो गया? पहले तो हर फिल्म का शूट करने के लिए आप कभी लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, यू नो इतनी जगहों पे जा रहे हैं, पर अब इंडिया में दे दनादन शूटिंग कर रहे हैं, वैसे कैसे सर? मनीष जी, क्योंकि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। कम ऑन। और इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर हर टाइप का लैंडस्केप है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, वहां शूट कर लो तो कहानियां अपने आप बन जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉरेन लोकेशंस क्यों ढूंढने जाना जब गोवा सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉटस्पॉट बन चुका है बाय ऑल टाइम फेवरेट। ऑलराइट, अ बिग हैंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक। For the first time, IFFI has invited all the major OTT players to participate in the festival. So I extend my warm welcome to Netflix,
Amazon Prime, Z5, Voot and Sony Live. It's our pleasure to have you here with us. The festival this year is also paying a special tribute to Sir Sean Connery, the first actor to portray the fictional British secret agent James Bond on the big screen. And with around 30 films having been shortlisted for the screening at the festival, IFFI's promise is to honor the finest cinematic works from across the globe. Our opening film sets the benchmark very high for this year's celebration. This year we have King of All the World, directed by the Spanish filmmaker Carlos Saura, and with some inspiring camera work by award-winning cinematographer Vittorio Storaro as the opening film, which is also the film's international premiere. So, chaliye, aap sabhi ko in filmo ka trailer dikhate hain. Can we have the trailer, please? Let's have a look. Qué duro es nuestro pasado, lleno de muerte y de violencia. ¿Qué quieres de mí, Manuel? Hermoso Whipple. Tú has sufrido ese terrible accidente. ¿Es en serio? Sí, sí. En la obra que yo he escrito, tendrás que interpretar a una mujer del mundo del espectáculo que es bailarina y coreógrafa. ¿Yo tengo que estar en una silla de ruedas? Sí, sí. Está de más decirlo, Sara. Tú eres por mucho la favorita. Sigues igual. ¿Quién crees que elijan como protagonistas de la obra? A nosotros. Me van a escoger a mí. ¿Por? Porque soy el más guapo de Guadalajara. La muerte de mi papá me está afectando muchísimo. Inés, es mejor dejar las cosas como están. No, mamá, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Quería de verdad. Quiero que en algún momento aparezca la relación entre pasado y presente de México. Me parece que Inés tiene más química con Juan. Pero Diego es mejor bailarín, tiene más técnica. ¿Qué opinas? Eso te lo dejo a ti, ¿no? Tu padre era un amigo, un buen amigo. Eso fue cosa de más arriba. Dime quién eres. And now, ladies and gentlemen, it is time to introduce you to the man behind this mammoth festival, the man who turned days into nights and nights into days to make India's biggest international film festival such a big one. Yes, he envisioned it, and now he is gracing the stage to speak about the same. It gives me immense pleasure to call on stage the man who made this happen. Please welcome Additional Director General DFF and the Festival Director for India's 75 at 52nd International Film Festival of India, Goa, co-powered by Vaseline and Amazon Prime, Shri Chaitanya Prasad, sir, on stage. Let's have a big hand. Namaskar, good evening. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, sir. Honorable Minister for Information, Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Anurag Singh Thakur, sir. Honorable Ministers, Dr. Murugan, Shripad Naik, sir. Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, sir. Chief Secretary Goa, Parimal Rai, sir. Secretary Information and Broadcasting, Apoorv Chandra, sir. Madam Hema Malini, Chairperson of the International Jury,
Madam Rakshan Bainitad, members of the Preview Committee, members of the Indian Panorama, members of the International Jury, members who have all contributed in different walks of life in making the 52nd IFFI kickstart proceedings today. My colleagues at the media units, it's difficult to single out each one of them. My colleagues at the Ministry of Information and Broadcasting, the Young Creative Minds of India 75, the grand jury headed by Prasoonji and other members of the grand jury, other people who have contributed in making this effort for IFFI 52, my colleagues at the Ministry, at the Directorate of Film Festival. Ladies and gentlemen, there is a cultural performance which awaits us now, which is waiting expectantly at the back rooms. I have the responsibility of giving a word of thanks for everyone, to everyone, acknowledging your presence in the light of the fury of nature. It's raining heavily outside, but this auditorium is full. It's been a wonderful experience. It's been a great experience. It's been a humbling experience. Our two key principals, my both ministers at INB Ministry, the Honorable Chief Minister of Goa, have been a rock of support for us to take the process forward. Our two other key principals, Chief Secretary Goa and my Secretary, Mr. Apoorv Chandra, they have held us together from going into crisis situation. Thank you to both the key set of principals. Members of the jury, at all levels, we are truly honored to have you with us, to go through the proceedings, to help us through organizing the whole festival the way it is as it is today. My colleagues in the media units of INB Ministry who have helped us take the process forward, it would not be out of place to mention the partnership that was envisaged thanks to the Honorable Minister of inviting OTT players to participate full steam as far as the International Film Festival of India is concerned. The splendid effort put in by the steering committee of the International Film Festival of India, comprising of eminent filmmakers, everyone who contributed, who helped us to take the process forward. It was a great experience learning from them. IFFI has always been a learning experience for all of us because we all believe in the joy of cinema, we believe in the spirit of cinema, we believe in the light of cinema, we believe in the roadmap that is laid down by cinema in a post-pandemic situation. That is extremely important, ladies and gentlemen. We have 8 days of extravaganza that awaits all of you. All of you to enjoy the spirit of cinema the way it is. We have a bouquet of fantastic films, master classes. It's going to be a heartening experience. As everyone mentioned, the 75 creative minds, ladies and gentlemen, the Honorable Minister has done a wonderful job, a vision of connecting Gen X to mainstream cinema in the country. That was the vision and it has now been put in practice today and it will be a great experience for these people. The Entertainment Society of Goa and its team, they were great players for us, stakeholders, participants. I'm grateful to their CEO and his team and the Vice Chairman. And finally, ladies and gentlemen, before I end, I would like to acknowledge the work put in by the Directorate of Film Festival, my colleagues at the Directorate of Film Festival. We've tried hard, very hard to make this program a success. We've tried to make it different, and thanks to the vision envisaged by our key principals, we were able to take it forward at a totally different level. Finally, ladies and gentlemen, thank you very much for being here, supporting us, inspiring us, encouraging us. And I would stop here. Jai Hind. Enjoy the next segment, that is entertainment. Namaskar. Okay, Sumana, we'll chat. Okay. Thank you, Sumana. Side, then, ruk jaiye. Ah! Pardey, piche band kar.
Thank you so much, sir. Thank you. And with that, we announce the screening of the opening film, Open. But an evening full of entertainment, ladies and gentlemen, awaits you. Can we please have the IFFI signature film?